गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑर्गेनिक पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक क्या सर? देखना, ये ऐसा लिखा हुआ है, एक यहाँ पे सीएल लिखा हुआ है, यहाँ पे बीआर। इसका आईपीएससी नेमिंग क्या होगा? वन क्लोरो वन ब्रोमो क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। वन ब्रोमो टू क्लोरो साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन होगा ना? हाँ सर। इसका आईपीएससी नेमिंग बताना। यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, नीचे बीआर लगा हुआ है, ये सीएल। इसका क्या होगा? नोट करना है ये सब कि आप ऐसा ही करवा रहे हो रिवीजन? नोट करना है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसको बताओ, वन फ्लोरो टू क्लोरो थ्री ब्रोमो फोर आयोडो। वन ब्रोमो टू क्लोरो थ्री फ्लोरो सिक्स आयोडो। वन ब्रोमो टू क्लोरो थ्री फ्लोरो सिक्स आयोडो साइक्लोहेक्सेन। देखना, हाँ, ब्रोमो की पोजीशन तुम लोग क्या डिसाइड कर रहे हो, एक बार मेरे को बताओ। वन क्लोरो को टू, क्या? एक मिनट, इसको वन, सेकंड वाला कौन, क्लोरीन वाला दे क्या? हाँ सर। टू थ्री फोर, चिन्मय तुम रिकॉर्ड कर रहे हो? हर्ष चाह रहा है। हाँ, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सिक्स कितने हो गए? गया बारह, ट्वेल्व। अब ये देखना है, यहाँ पे ये गलत हो गया ना, ये सही है। थ्री ब्रोमो टू क्लोरो थ्री ब्रोमो टू क्लोरो फोर आयोडो वन फ्लोरो क्लोरो फोर आयोडो साइक्लोहेक्सेन। अभी प्लीज रुकना दो मिनट। वही सर, एक भी नोट नहीं किया। रुको रुको, ठीक है सर। वो उदय बोल रहा है कि उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो नहीं आ पाएगा शायद। ठीक है सर, ऐसा ही है। आईयू में एग्जांपल भी है। हाँ, जल्द कल जान दे करवाया था, उसके आगे आई है। मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मैं लाइव क्लास में भी रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ, ऐसा ही लगता है। लाइव क्लास में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाए। हो गया क्या? नहीं सर, लास्ट वाला बाकी है, बड़ा वाला। दूसरा वाला भी बाकी है मेरा। हाँ सर, हटा दो। एक मिनट एक मिनट। क्या
हो गया अब देखना नेमिंग ऑफ साइक्लो अल्केन्स साइक्लो अल्केन्स की नेमिंग अपने पास ये जो सी डबल बॉन्ड सी होगा ना ये ध्यान रखना बहुत कार्बन मस्ट गेट वन एंड टू पोजीशन जैसे सबसे पहला एग्जांपल गया है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये क्या हो गया साइक्लो प्रोपेन प्रोपेन लेकिन अगर अब अपन इसमें पोजीशन ऐसे करें इसका क्या होगा ना वन मिथाइल साइक्लोप्रोपीन साइक्लोप्रोप वन इन पोजीशन मेंशन करना जरूरी है ना अगर डबल बॉन्ड आप चेंज करोगे तो नेमिंग चेंज हो जाएगी ना हो जाएगी सर पर वो पहले ही है ना कि वन और टू पे होना चाहिए हम वन और टू पे वेटिंग रूम में ये वन होगा अगर वो डबल बॉन्ड सामने वाली साइड होता तो अलग हो जाता ना देखो इसको वन लगा है इसको टू लगा है ठीक है ठीक है अब इसको वन टू तो थ्री हर हालत में क्या होगा मिथाइल पे आना तो थ्री मिथाइल होगा पूरी इलेवंथ अब सिर्फ इलेवंथ सिर्फ ऑर्गेनिक ही बाकी है ना बस खत्म ना फिर हम बाकी सब खत्म है तीन चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो वन टू डाइमिथाइल ऐसा तो मॉडर्न फिजिक्स भी बाकी है साइक्लो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है उसमें ना ट्वेल्थ में ना हाँ ट्वेल्थ में इलेवंथ में नहीं है भाई दो ही चैप्टर इलेवंथ में आपको साइक्लो भी अरे केवीपीआई में सिलेबस में डाला है गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग अरे सॉरी सर ये पता नहीं नेटवर्क का चौंचा हो गया था चलो नोट करो कितना लिखवाया मतलब कितने पेज छोड़ू तीन एग्जांपल है पांच 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 पेज छोड़ ये लोग तुझे भटका रहे है बोलना मत मुझे तुम्हें कहा लगा और ये क्या अपने सी डबल बॉन्ड सी के बाद बोथ सी मस्ट गेट वन एंड टू पोजीशन है सर ये जो डबल बॉन्ड होता है वो वन पे होगा ना हमेशा क्योंकि हम नंबरिंग कैसे करते हैं तो लिखना ये पहला कार्बन हुआ ना ये फर्स्ट हुआ ये सेकंड हुआ ये थर्ड हुआ सर तो हमेशा तो मतलब कोई भी है बस ऐसे ही आएगा ना वन इन नहीं पर अगर वैसे तो भी आएगा पर ये तो फिर ये थ्री की पोजीशन चेंज हो जाएगी अगर तो उस साइड से करें अरे पर आपने वो ऊपर लिखा है कि सी डबल बॉन्ड में सेकंड वन एंड टू पोजीशन तो ऐसे तो अरे तो लोएस्ट सम रूल आप देखो ना वन पे है और कहां पे है थ्री पे है टू पे है इधर से तुम चलोगे तो यहां अगर इसको वन ले तो इसको टू ले सिक्स पे तो फिर सिक्स आ जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा तो ये लोएस्ट सम रूल को फॉलो कर रहा है ना सर सर हाँ ये सी डबल बॉन्ड सी वाला आप फिर से बता सकते हो क्या आप बता रहे हो ये नेमिंग करना है अपने को मतलब ये पहला कार्बन हो गया ये दूसरा ये तीसरा तो वन पे मिथाइल लगा हुआ है और साइक्लोप्रोप हो गया और वन पे क्या है
डबल बॉन्ड है तो इन आ गया ओके मतलब डबल बॉन्ड के आजू बाजू वन और टू रखने ऐसे नेमिंग ऐसे करनी है डबल बॉन्ड के आजू बाजू नहीं डबल बॉन्ड को ही वन टू रखना है डबल बॉन्ड को हमेशा वन टू पोजीशन देना है ये देख लो एक सिंगल इस केस में एक्सेप्शन होता है बेंजीन में नहीं किसमें डबल बॉन्ड थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसमें ये एक्सेप्शन है इसको ध्यान रखना नंबरिंग जो होती है ना वो यहाँ से इसमें स्टार्ट होती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये लोएस्ट सम रूल को देखना है यहाँ पे फॉलो नहीं करता है वन सिक्स डाइमिथाइल ओलेट ओलेट साइक्लो पता था क्या ये हो गया स्कूल में नहीं वो तो दिख रहा था लेसन रूल फॉलो नहीं हो रहा अच्छा सिंपल मतलब इसमें क्यों नहीं हो रहा फॉलो क्या कह रहे हो क्यों नहीं कर सकते वन टू थ्री वैसे क्यों नहीं कर सकते किसमें ऐसे मतलब इधर से चालू होकर वन इधर दो इधर तीन ये अभी आगे पढ़ेंगे अपन अभी फिलहाल के लिए बस ये कंपाउंड आपको एक ही इसमें है बेंजीन रिंग से रिलेटेड ना ये सिंगल एक कंपाउंड है जो एक्सेप्शन सर क्या नाम है इसका नहीं वो तो हम मतलब ऐसा कॉमन नेम क्या है ये नाम कॉमन नेम सबका नहीं होता है कॉमन नेम किसी किसी का होता है ट्रायंगल नहीं जो कॉमन होता है उसी का कॉमन नेम होता है सर आपको पता है नोटबुक की टेकिंग हुई थी नोटबुक की चेकिंग हुई थी स्कूल में मजा आ गया था मुझे और पीयूष को इजान को सजा आ गया इजान क्या किया फिर तुम कैसे बचे नहीं बचे साफ हो गए इजान मतलब वैसे तो मेरी भी नहीं थी लेकिन मुझे पूछा ही नहीं किसी ने मुझे मेरा नाम लिया पर इजान था ना बचा देता है हर बार अपने को ये ले देखना अभी तक वही डरा भटक गया नेक्स्ट ऐसा है डबल डबल इसका आईपीएस नेमिंग बता सकते हो जल्दी से बताना बताएंगे ना कौन से वाले को वन ले कौन से वाले को टू ले हम बताते ना वन कॉमा थ्री लोएस्ट सम रूल फॉलो करना चाहिए सर साइक्लो एक्स हो गया वन कॉमा थ्री डाइन ये अब इसके बाद देखना तीन वाला वो तो बेंजीन ये डबल बॉन्ड रिंग से डबल बॉन्ड हाथ लगा हो ठीक है तो इसका स्पेशल नेमिंग हो जाता है इस पूरे का अल्काइलिडीन बोलते हैं अल्काइलिडीन ये तो अल्काइलिडीन अल्काइलिडीन अब देखना ये डबल बॉन्ड सी एच टू है ठीक है डबल बॉन्ड सी एच टू है ना तो ये क्या हो गया एक कार्बन के लिए मिथाइलिडीन 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 अल्काइलिडीन अल्काइडा क्या क्या नाम है साइक्लो क्या हो गया डाइऑक्सीन ये आपने अल्काइलिडीन वन डाइन मिथाइल क्या है बाद मैंने बोला रिंग से जब भी डबल बॉन्ड ये लगा होगा तो इस पूरे का नाम अल्काइलिडीन होता है अगर सी एच टू लगा है तो एक कार्बन के लिए मिथाइलिडीन या फिर इसको ऐसे भी अपन लिखते हैं ये मिथाइलिन और साइक्लो हेक्सीन हेक्सीन नहीं है हेक्सेन वो बाहर वाले के लिए अपन
ओके इन चल इसको वन मिथाइल इडीन लिख दे तो भी कुछ नुकसान नहीं होगा ना नुकसान नहीं होगा अगर नंबर ना लिखो तो ही नुकसान होता लिखना कोई नुकसान नहीं नहीं अब डबल बॉन्ड आप कहीं पे लगाओ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्या नेमिंग भी बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली ना ये CHCS बताओ इसका नाम क्या होगा इथाइलिडीन होगा इथाइलिडीन प्रोपाइलिडीन ब्यूटाइलिडीन लो क्या हो गया हेक्सेन हो गया हां सर ये मिथाइलिन अच्छा है डाइमिन इसका नेमिंग बता आपने एन के बाद क्या लिखा एक बार बता दो ना साइक्लो ई है ई यानी वहां पे नहीं सबसे पहले आर वाले में वो अल्काइलिडाइन डाइन लिखना डी आई ई एन ओके उधर कुछ नहीं इसका नेमिंग करना है तुम लोगों को ना ये डबल बॉन्ड है दिख नहीं रहा है डबल बॉन्ड कहाँ है अब आ गया अब दिखा अरे रिंग में भी है डबल बॉन्ड ना रिंग के अंदर है देखो मैं बना देता हूँ सर रुको पहले ये वाला कर लेते हैं ये सर नोट करने दे एक मिनट नोट कर लो तब तक मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ चलो इसके आईपीएसी नेम टू प्रोपाइलिन साइक्लो हेक्सीन क्या क्या नाम है क्या बोला फिर से एक बार टू प्रोपाइलिन साइक्लो हेक्स वन इन देखना वन प्रोपाइल डाइन का दिखा पर एक ही डबल बॉन्ड है उसने इधर बाहर अंदर दोनों के ले लिया मेंशन में क्या देखना ये वन हो गया तभी तो डाइन तुम लगा रहे हो 1 2 3 4 5 अब ध्यान से देखना हां 1-1 नहीं 2- ये 2- है और ये क्या है कब होता है क्या बोल रहे हो इनाइल कब क्या होता है कल नहीं पढ़ाया मैंने इनाइल हो गया और टोटल कितने कार्बन है 6 के लिए साइक्लो हो गया इसमें वन लगाने की क्या जरूरत है इसमें तो कुछ है ही नहीं लगाने के लिए वन क्या बोल रहे हो इसमें क्यों वन लगा रहे हैं साइक्लोहेक्सवन इनमें नंबरिंग किया है ना अपन ने हाँ नहीं भी रखोगे तब भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है रखना ही चाहिए ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में फिर क्यों ज्यादा वेटर वही है ये तो म्यूचुअल फंड्स जैसी बात हो गई सही है जरा आपको पता है 5 तारीख से क्या शुरू हो रहा है इंडिया से इंग्लैंड हाँ वो भी इंडिया में वही क्या मस्टर्ड बनाई है बहुत सारी है इसको हटा दूं क्या मैं रहने वाले होटल वाले हां सर लास्ट वाला बाकी है एक सेकंड सर एक मिनट इन लोग का पूरा सेल चालू ही होता है और क्या काम सर अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है
हाँ उसमें फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल आएगा लॉर्ड्स पे, न्यूजीलैंड अगर हम यह सीरीज जीत जाए तो मजा, तो इंडिया पक्की होगी, इंग्लैंड तो मुश्किल है। नोट हो गया क्या? एक बार लास्ट वाला देखना, अच्छे से बनाना, थोड़ा टाइम ले लेना, लेकिन सही बनाना। इसका नाम बताएं हम? ये भी एक्सेप्ट करना? नहीं ये थोड़ा ज्यादा बड़ा है, नहीं बताना है गलत हो जाएगा। अरे सर थोड़ा कम कार्बन डालो। मेन चेन कौन होगा, अंदर वाला या बाहर वाला? बाहर वाला ज्यादा कार्बन बाहर है, अंदर बाहर सात है, छह है, छह छह ले, ये वो हो जाएगी ब्रांचिंग। आई मीन इसमें वन साइक्लो, हाँ सही है, वन साइक्लो, फिर उसमें पेंट, पेंटा, बाद में इसमें ब्रक, पेंटा, हाँ पेंटा, हाँ और फिर ये वन टू थ्री, वन कॉमा थ्री, वन थ्री ना, वन थ्री, हाँ मतलब वो टू नहीं, मैं गिन रहा था कॉन्सेप्ट पे, वन कॉमा थ्री, डाई, डाइन, इन, इन नहीं, इनाइल, हाँ इनाइल, इनाइल, हेक्सेन, हेक्स बस ऐसे बनाते हैं, जल्दी खत्म हो जाता है। अरे ये 1.3.5 वो टू पे नहीं है, 1.3.5 पे ही लिखा ना, वो वन होता है, ठीक है पहले से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू होगा ना, क्योंकि ब्रांचिंग यहाँ पे ये लगी है ना, ब्रांचिंग नियरेस्ट होनी चाहिए, पोजीशन में पेंटा हेक्सा कब लगाना होता है वो याद रखना है बस। ये CH2 इसका देखना स्पेशल नेमिंग चलता है, इसको मेन चेन लिया जाता है, तो क्यों रूल्स क्यों बनाए हैं? किसी आजू बाजू को मेंशन नहीं सकते ना भाई, देखो ये और ये क्या ब्रांचिंग में तो क्या हो गया, डाई, साइक्लो, एक्साइल और एक कार्बन के लिए क्या हो गया, मीथेन, सर साइक्लो हेक्स, सर मतलब उसमें जब अगर वो बॉन्ड उधर चेन में ही डबल हो तो, डबल हो तो क्या, हेक्सा, हाँ ओके, हेक्सेन के लिए अगर आप लिखोगे इसका क्या, अल्काइल वाला तो हेक्साइल ही लिखते ना अपन, हाँ हाँ, जब साइक्लो हेक्सेन आएगा तो साइक्लो क्या आएगा, हेक्साइल आएगा, हाँ हाँ, इसका क्या होगा, उसमें ट्राई लगा दो, ट्राई लगा दो, ये मैं ट्राई लगा दें, ट्राई साइक्लो, ट्राई साइक्लो हेक्साइल, जो कि गलत है, नहीं नहीं ये सही, सही है, गलत कहते हैं, मुझे लगा कि आप ऐसा बोलोगे, नहीं आप दो तीन जनों से पूछते हो और बोलते हो कि तुम दोनों का गलत है। अरे एक्साइन में क्या लिखा है, वो CH क्या बोल रहे हैं, वो साइक्लो है, साइक्लो एक्साइन, वो साइक्लो है, साइक्लो पहला डाई साइक्लो एक्साइल मीथेन है, दूसरा ट्राई साइक्लो एक्साइल मीथेन है, वो उसका पूछ रहा है, आपने जो लिखा ना साइक्लो हेक्सेन का एक्साइल वो वाला पूछ रहा है ना, ऐसा भी होता है कि H हट जाएगा ऊपर, C बचेगा ऊपर, एक और ऐसे रिंग आ जाएगी, हाँ
टेट्रा साइक्लो एक्साइल एक्साइल मिथेन इसको हटा दें सर मतलब इसमें ऐसा क्यों होता है क्योंकि कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं हाँ नहीं उसका हाँ वो क्लोरोमिथेन टेट्रा क्लोरोमिथेन बोलते हैं चारों तो इसी को बोलते हैं हाँ ठीक है सर इसमें डबल बॉन्ड एक है और इसमें डबल बॉन्ड डबल सिंगल डबल है यहाँ पे मेंशन ये होगा समझ आ रहा है हाँ जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड वो जिसमें ज्यादा डबल वो हो चलो आईपीएसी नेमिंग क्या कर रहे हो इसका ये वन पोजीशन होगा साइक्लो वन कॉमा थ्री साइक्लो एक्साइल साइक्लो होगा ना बस एक है ना हाँ एक्स एक्स वन इनाइल इनाइल फिर वन कॉमा थ्री साइक्लो वन साइक्लो एक्सा वन कॉमा थ्री डाई डाई तीन होते हैं तो क्या होता है हेक्स हेक्सा फिर हेक्स डबल है नहीं नहीं डबल नहीं तीन हो चार हो बस हेक्सा ही रहता है ध्यान रखना ओके सर सर तो एक में सिर्फ हेक्स होता है बाकी एक दो से हेक्सा है सर हाँ दो से जैसे ही ज्यादा हो गया वो हेक्सा आ जाता है लेकिन दो से दोनों सिमेट्रिकल होना चाहिए सिमेट्रिकल इन द सेंस दोनों दोनों डबल होने चाहिए अगर मान लो एक डबल एक ट्रिपल आ गया तो हेक्स ही रहता है सर ये क्या क्या चल रहा है ये क्या है अरे मैंने बोला ना कि अगर एक डबल एक ट्रिपल आ गया तो हेक्स ही लिखाता है लेकिन अगर किसी में दो डबल आ गए तो हेक्सा लिखाता है और सर मतलब जिसमें अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो एक डबल बॉन्ड हो तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी और उसी साइड डबल बॉन्ड सी वैसे स्ट्रक्चर में आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दो देखना अच्छा उसी हिसाब से इनाइन लगाना होता है ना ठीक है ठीक है पहले का पढ़ के नहीं आते ना तुम लोग ये देखो अगर ऐसे है ठीक है तो इसको ब्यूटा नहीं लिखने का ये गलत हो जाएगा क्या लिखने का ब्यूट और ये डबल ट्रिपल दोनों सेम पोजीशन है तो इसको लोएस्ट पोजीशन देते हैं और फिर अल्फाबेटिकल फॉलो करते हैं इसके लिए इन और इसके लिए आइन आइन वन पे इन हो गया और थ्री पे आइन आइन अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था इसके अलावा और इसका कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर डबल ट्रिपल का ही नहीं इसको ब्यूट इन आइन ब्यूटी नाइन लेके आ ही नहीं सकते ना पांच बॉन्ड हो जाएगा इसका हाँ सर ऐसी नेमिंग ऑफ साइक्लो अल्काइन्स होगा तो फिर दोनों मिक्स आएंगे डबल और ट्रिपल नहीं वो उतना नहीं पहुंचेंगे अपन वो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है ब्यूट इन आइन हो गया सर हो गया यस सर चलो देखना इधर नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड मंजे बाईसाइक्लो रिंग वाला वो कल आपने जो बताया था मैंने नहीं सिखाया वो वाला देखना कैसे करते हैं भैया ना हाँ जो बोले थे अभी नहीं कर सकते आप आप ये कैसे बनाते हो मतलब पेन से ही बनाते हो कैसे बनाते हो ये वाला इसको कभी मैंने एक टाइम ऐसा बोला था ना कि इसको जब भी अगर अपने को दूसरे फॉर्म में लिखना होता है तो कभी कभी असाइनमेंट में कुछ ऐसा भी लिया जाता है कैसे है? दूसरे फॉर्म में लिखा होता है ये यहाँ पे ये है रूबी एक कंपाउंड उसका भी नेमिंग कर सकते हैं वैसे अब बीच में एक ये लगा है ना तो बीच में यहाँ पे एक ये लगाते हैं और आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए ये वाला हटा देते हैं ना इधर से
अच्छा वो बुक को बना के छोड़ देना है, ये हटा देते हैं ठीक है। बीच में कार्बन वाले में देखो पोजीशन अगर अपन मेंशन करें, अब ध्यान से बस देखते रहना, पहले एग्जांपल में हो सकता है मे भी समझ में ना आए, लेकिन दूसरे या तीसरे जाते जाते तक डिटो समझ में आ जाएगी। अब देखना इसमें ये टोटल 6 कार्बन है, ये भी तो एक कार्बन है, इसको 7 नाम दे दिया ठीक है, ये 7 हो गया। 2 से 3 एग्जांपल लगाने के बाद में आप लोगों से डॉट पूछूंगा, पहले में नहीं पूछूंगा मैं। तो देखो यहाँ पे करना क्या है ना, अपने को जो ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन अपने पास ये है, ब्रिज हेड कार्बन पता चल रहा है कौन सा है, 7 ब्रिज हेड कार्बन जिससे लगा होगा वो अच्छा ब्रिज हेड कार्बन 7 ब्रिज हेड बॉडी वो होगा 7 के बाद ना। अच्छा एक और स्ट्रक्चर बना लेता हूं ना ताकि मेरे यहां पे देखना, ये ऐसा है ये ऐसा है, नाम अभी लिख रहा हूँ, टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा सा एक बार टाइम दो बस, अभी बताया मैं आपको ना, एक मिनट। चलो अब स्टार्ट करते हैं, पहले देखते रहना सारा मैं करता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगी। ये 1 और 4 वाला जो है ना, आपको 1 से स्टार्ट करना और 1 पे ही आ जाना है। तो इसके लिए यहाँ से ऐसे अपन ने चलना स्टार्ट किया, ये इधर पहुंचे होंगे, तो जब इधर से चल रहे हैं तो कितने कार्बन को क्रॉस कर रहा है, 2 कार्बन को, 2 और 3 को, नंबर ऑफ कार्बन 2 क्रॉस किया। जब 4th से इधर गए तो इधर भी कितने कार्बन क्रॉस किया, 2, इधर से 2 ठीक है। और 1 से जब 4 पे आ रहे हैं, 1 से जब 4 पे आ रहे हैं, तो 1 कार्बन, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन मिले ना, 1 में 2 मिला, 1 में 2 मिला, फिर 1 में 1 मिला, इन तीनों नंबर को अपन किस में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। आगे आपको सबसे पहले 22 साइक्लो लगाना और डिसेंडिंग ऑर्डर में तीनों नंबर को लिखना, 2, 2, 1, और टोटल कार्बन 7 है तो 7 के लिए क्या लगाना है अपने को, हेप्टेन। और जो ये स्ट्रक्चर है वही ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो बस इतना छोटा, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 कार्बन है। अब 1 से 4 पे जा रहे हैं अपन, ब्रिज हेड कार्बन पे, तो एक साइड 2 कार्बन को क्रॉस कर रहा है और एक साइड इधर भी कितने कार्बन को, 2, और बीच में भी 2, 2, 2, 2 ही होगा, 2, 2, 2, 2, तो ये क्या हो गया, 22 साइक्लो हो गया, और 2, 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
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एक साइड एक दो तीन चार कार्बन क्रॉस कर रहा है, एक साइड एक दो तीन चार और एक साइड जीरो जीरो, तो अपने पास फोर फोर जीरो हो गया। मतलब इसकी आईपीएसी नेमिंग अगर अपन करेंगे तो बाईस साइक्लो फोर कॉमा फोर कॉमा जीरो और टोटल दस कार्बन है तो डेकेन। इधर कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, इधर कितने, एक दो थ्री वन डेकेन, वन से सिक्स के बीच में कितना, एक है ना, एक, तो कितने कार्बन टोटल, सिक्स सेवन एट सेवन नाइन टेन है ना टोटल, तो डेकेन हो गया। डेकेन कट होते होते नोट कर लेना और नहीं समझ में आया तो पूछना आप मेरे से। सर पर मतलब इसमें तो हम इसमें तो नंबर ऑफ कार्बन से चल रहे हैं, उसमें वैसे नहीं चल रहे कि कौन से कार्बन पे क्या लगा है, वो लगाएंगे तो मेंशन कर लेंगे अभी अपन, लेकिन अभी
हाँ लेफ्ट राइट कौन कर ले, दोनों जो अपना ब्रिज हेड कार्बन है ना उसके ऊपर जाना है, वन से फोर पे जाने के कितने तरीके, तीन तरीके है ना लेफ्ट साइड, मतलब अगर इसको ऐसे मिरर इमेज करके लिखा होता तो थ्री तो भी ऐसे मतलब ओके डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ठीक है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना हमने को, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, ये जितने नंबर आए ना सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ध्यान रखना सर। तो हम किस थियरी के तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, रिटर्न ऑफ रेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और लास्ट वाले एक जीरो है, कैसे नहीं पता चलेगा बता मेरे को, एक साइड फोर लगा है, एक साइड थ्री लगा है, एक साइड एक लगा है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी सब में पता चल जाएगा ना अपने को। तो मतलब हम आपको नाम दे रहे हैं साइक्लो पाई कॉमा सेवन कॉमा एट, हाँ कितने होंगे कार्बन टोटल, एक सेकंड बना ले दो, क्या कह रहे हो 5.7.8 बहुत ज्यादा हो गया, रुको रुको ये कैंसिल करो, 8.75 रखते हैं, हाँ मैं वैसे वैसे ठीक है पर टोटल कार्बन गिनने में वाट लग जाएगी तो देखना इधर। अरे हाँ एक सेकंड बताते रुको, अरे 22 का जो होता है वो, 22 का जो होता है वो, अब देखना इधर यहाँ से अगर अपन चलना स्टार्ट करें ठीक है, तो एक तरफ इधर 8 कार्बन रखेंगे, इधर 5 कार्बन रख लेते हैं, और बीच में जो होगा वहां पे कितने कार्बन रख लेंगे सर, बीच में 5 होंगे ना सबसे लास्ट में, इधर 5 रख लेते हैं, हाँ हो जाएगा ना आप रिंग बस तो बीच में सबसे कम होते हैं वही, पर बीच में अगर हमें वही पूछ रहा है अगर उसमें सबसे ज्यादा रखने हो तो नोट ही नहीं किए थे, कोई नहीं वो भी लिखते चलते अभी ना, ये लिख लेते हैं। देखना है इसकी आईपीएसी नेमिंग करनी है। अरे सर ऐसा भी पूछता है जेई वाला, तूने जितना बड़ा पूछा ना उतना बड़ा नहीं पूछता है, वो 2-1-0 देखना इसकी आईपीएसी क्या, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये बीआर लगाए तो इसको लोएस्ट पोजीशन देना अपने, नंबरिंग हमेशा ब्रिजेड कार्बन से करोगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट कर दोगे। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो।
बाईसाइक्लो टू कॉमा टू कॉमा टू पहले जो साइड चेन है ना सब्स्टिट्यूएंट उसको आप लिख लो ऐसा होता है हाँ तो क्या हो जाता है टू पे ब्रोमो हो गया ठीक है एक क्लोरीन मान लो यहाँ लगा दिया तो फाइव पे क्या हो जाता क्लोरो हो जाता अब यहाँ पे बाई साइक्लो अपन लगाते तो बाई साइक्लो लगाने के बाद कितने कितने कार्बन दो 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 ट्रिपल टू हो गया और ये ऑक्ट हो गया कितने पे लगाया टू पे इन है सर अभी ऑक्टा नहीं होगा अरे एक ही डबल बॉन्ड है ना ओके ओके सेम सॉरी सर अगर डबल बॉन्ड ऊपर लगा देते तो वो सेवन एट पे आ जाता ठीक है ध्यान रखना वो भी मैं कर रहा हूँ ये कुछ लगा नहीं है ये गलती से आ गया ये लाइन अब मान लो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ चुका है तो आप नंबरिंग ना कैसे करोगे यहीं से स्टार्ट करना अब वैसे नहीं इसको टू तुम कर दोगे नहीं तो फिर किसी एक नेमिंग को आपको क्रॉस करना पड़ेगा समझ में आ रहा है इसीलिए वन या तो इधर टू जा सकते हो या इधर टू थ्री फोर दोनों तरफ किसी तरफ जा सकते कुछ लगा ही नहीं था कोई दिक्कत नहीं बताओ ये वाई साइक्लो हो जाता टू कॉमन टू कॉमन टू ही रहता और ऑक्ट हो जाता सेवन इन कितना हो जाता सेवन इन हो जाता अभी अपन फंक्शनल ग्रुप पढ़े नहीं है अगर वो पढ़े होते तो वो भी लगा दिए होते तो सर ये नाम तो एक लाइन में आ ही नहीं रहा नाम एक लाइन में नहीं आ रही है तो नीचे वाली लाइन में लिखो अरे सर ऐसा करो कि ऐसा छोटा नाम बता दो आईओपीएसएल को बोल के और मुश्किल होगा फिर आईबीएसी नेम की इसलिए जरूरत पड़ी ना अप्रोक्सीमेट 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है सर इसमें भी तो हम क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये जो ऊपर वाला है ऊपर वाला क्या है मतलब उसमें भी हम एक कार्बन को वापस क्रॉस कर रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6 फिर वापस 7 जा रहे हैं तब 1 के थ्रू जा रहे हैं ना रीडी नहीं होगा ऐसे आगे की तरफ नहीं होगा रियलिटी में देखना अरे ये वाला रिंग ऊपर रहता है ना ऐसे ये उठा हुआ रहता है ना ओके ये एक्चुअल में ऐसा होता है होता तो ऐसा ही है एक यहाँ एक नहीं दो ही होगा मतलब सर आपकी आवाज कट रही है सर ए आवाज सर आप पूरे चिपक गए थे आवाज भी नहीं आ रही थी और ये दिख भी नहीं अचानक से आ गया 7-8 पे डबल बॉन्ड बोले ये दोनों सेम है ना ठीक है और 7-8 पे डबल बॉन्ड है चल रुको रुको अभी हम थोड़ा आराम से नोट करेंगे क्योंकि सब एक जैसे ही है डायग्राम है बस पता ही नहीं चल रहा है कौन सा कौन मतलब ऐसा डायग्राम क्यों देते हैं नॉर्मल रिंग के टाइप क्यों नहीं देते हैं हो गया सर हो गया एक एक मिनट बाय साइक्लो टू 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 तुम बोलो मैं समझ जाऊंगा ना टू थ्री फोर ऐसे क्या बीच वाले क्या मानना है ब्रांचिंग अब टू और थ्री को ब्रिज मानेगा ऐसा हाँ
वो तो डबल बॉन्ड मेंशन में आ जाएगा ऐसा बोल रहा है ना, रिंग के अंदर ही होगा ना डबल बॉन्ड, बाहर कैसे हो जाएंगे? इसी को तो इसमें बनाया ना मैंने ऐसा, वो ब्रिज स्ट्रक्चर को नीचे वाला जो है ना वो ब्रिज हो जाएगा, टू और थ्री भी ब्रिज हो सकता है। हाँ पर तुम सेमी कलर से बना रहे हो तो ऐसा कुछ अतरंगी कलर बनाओ तुम्हारे जैसा। उसको मेंशन में गिन, जब भी तेरे मैं बोलता हूँ मैं ना, जब भी तेरे को ऐसे स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो ऊपर वाला हमेशा ब्रिज होगा, क्लियर है? ओके। जब भी ऐसा दिया जाएगा तो ऊपर वाला जो भी कार्बन होगा वो हमेशा कौन सा होता है? ब्रिज वाले कार्बन। ब्रिज सर मतलब इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे तो ये 2.3 वाला ऊपर आ जाएगा, वही तो 2.3 वाला ऊपर आ जाएगा दूसरे साइड से देखे तो। जब नोटबुक में देगा या असाइनमेंट में देगा तो वो तेरे को बना करके देगा ना कैसे लिया है उसने, तो उस टाइम वो वाला ले लेगा, वो तो तेरे को भी नहीं दिखेगा ना, वो जिसने लिखा होंगे ना देखना जो बाहर की तरफ होगा वो क्या होगा अपना ब्रिज वाले का। इसको हटा दे, नेक्स्ट है naming of aspirants. ये कैसा aspirant है? ये इसको aspiro compound भी बोलते हैं। वो क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, aspirants या aspiro compound ये spinal cord में होते हैं, कभी पढ़ा ही नहीं तभी इसलिए नहीं पता है ना, आप पढ़ा रहे हो तो आपसे पता चलेगा ना। सर बाई साइक्लो कंपाउंड जो था उसमें दो कार्बन एटलीस्ट क्या थे, कॉमन थे रिंग में। हाँ क्या होगा ना एक रिंग में ना, मतलब दो रिंग होगा उसके अंदर एक कार्बन क्या होगा कॉमन होगा, कॉमन और वो भी उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा हमेशा क्या होगा sp2 नहीं होगा sp3। ठीक है कॉमन वाले कार्बन होंगे ना, ये कॉमन कार्बन है ये, इसको इसमें डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता, स्पाइडर जैसा चार बॉन्ड बना रखे कहां से आएगा, मतलब तो इसमें हर बार एल्केन्सी 1sp3 कार्बन एटम कॉमन होगा दोनों में ना, कॉमन इन बोथ द चेन्स, चेन का है ये तो रिंग है पायरो कार्बन। आईपीएसी नेमिंग कैसे करना वो देखें, सर आपने कितने बोला कितने कंपाउंड का नेमिंग होता है, 1 मिलियन कितना क्या 5 मिलियन बोले, ऑलमोस्ट 5 मिलियन कंपाउंड ऑर्गेनिक है, आइसोमर्स जोड़ दे तो ऑलमोस्ट सब मिला के ठीक है। ठीक है इधर इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, जो सबसे टाइट है ना, मैं अपने पास दो रिंग है एक 4 मेंबर और एक 3 मेंबर, तो जो छोटे वाला रिंग होगा ना, जो छोटे वाले रिंग होगा उस वाले रिंग से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे, यहाँ से नहीं ठीक है, यहाँ से छोटे वाले रिंग से, या तो आप इसको भी 1 मान सकते थे कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको 1 मानते तो ऑटोमेटिक 2 हो जाता, इसको 1 मान रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 3, और 4 इधर भी मान सकते हो आप, इधर भी किसी को भी, तो मैं इसको मान लेता हूं 4 5 6। अब आप ध्यान से देखिए, ऐसा हो गया, अब ये स्पाइरो हो गया, अब उसमें अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे, इसमें याद रखना इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो एक साइड 2 कार्बन है जो कॉमन कार्बन है, तो 2.3 आ जाएगा, और इधर टोटल कितने कार्बन है 6 है ना, तो 6 के लिए क्या हो गया
ऊपर वाले में तो दोनों चेन इक्वल ही है, लिखाएगा ना रे, ऐसा थोड़ी होगा कि लिखाई गई नहीं। उसमें 3.3 हो जाएगा, सात है ना, सात है, कॉमन है तो F10 हो गया। ए, ये कॉमन तो पहले मैंने बताया। 2.3 क्यों आया, ये समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? 2.3 ये देखना जो कॉमन कार्बन है उसके लेफ्ट राइट में कितने कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर कितने कार्बन है? 3 कार्बन। समझ में आया? आया आया आया। क्या तो नंबरिंग का क्या काम है? एक एक करके लो, छोटे वाली चेन से, छोटे वाली रिंग से, छोटे वाले रिंग से। हमें 2 हाँ 2 तेरे 2.3 क्या है ये? जैसे उसमें 22 साइक्लोम लेते थे ना अपन, तो इसमें जो कॉमन कार्बन है ना उसके लेफ्ट राइट में आप देख लो कितने कार्बन है। लेफ्ट साइड में 3 कार्बन है, राइट साइड में 2 कार्बन है, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। ओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसलिए पहले मैंने नीचे वाले को बताया फिर ऊपर वाला। सर ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ जग सुना सुना वाला कुछ नहीं होती ना टॉपिक? नहीं नहीं, यही चल रही है, चलिए अभी चल रहा है। देखो कंपाउंड क्लेमिया रूल होता है इसमें। देखो इतना समझ में आता है कि आईआईटी कॉलेज है, डीके भी तो है नहीं, इतना समझ में वाला है नहीं, ठीक है। क्योंकि तेरे मतलब स्टूडेंट अगर अपन जामनगर में बात करें तो बहुत कम ही होंगे, लेकिन अपन जैसे जैसे टोटल कितने 12-14 लाख के स्टूडेंट अभी ईयर होते हैं, तो आसानी से तो बिल्कुल कुछ मिल ही नहीं सकता। जिसमें कुछ ना कुछ खास होता है तभी कॉलेज अलाउड होता होगा, तभी रैंक आते होंगे। बताऊं क्या अब मैं? हाँ सर। वैसा है देखना। नेक्स्ट में ना एक करा के बस, आज तक जेई मेंस में कभी नहीं पूछा बाई साइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड, एक से दो बार अभी तक पूछा गया है किसमें, जेई एडवांस्ड में। ये थोड़ा ज्यादा, तो ये उसी के अंदर है, स्पाइरो के अंदर ही है ना? हाँ स्पाइरो वाले, वो देख के अब आपको पता करना है कि स्पाइरो होगा या बाई साइक्लो होगा, क्योंकि अब आपने दोनों पढ़ रखा है। इसमें दो रिंग के बीच में क्या होगा, एक ही कॉमन होता है ना, तो हो गया ना ये स्पाइरो, तो यहाँ पे एक ही कॉमन है। अब यहाँ पे इसमें इक्वल इक्वल होगा, डबल बॉन्ड वाले से नंबर नहीं स्टार्ट करेंगे ना। अब देखो, अब मैंने इसलिए यहाँ पे दिया है ना, नहीं कि ये वाला जो कार्बन होगा इसलिए लिखने का मोटिव यही था, नहीं लोएस्ट नहीं, ये इसके या तो इधर या इधर नंबरिंग करना है आपको, जो छोटा वाला रिंग होगा। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी है, डबल बॉन्ड अपना सीनियर है, इसीलिए ये पहला कार्बन, ऐसा नहीं कि यहाँ से आप मानोगे, समझ में आ रहा है? वाला भी हो सकता है ना। हाँ नीचे वाला भी कर सकते हो आप, अगर मान लो ना आप जैसे ये ऊपर वाला मान रहे हो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 फिर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 ये छूट जाएगा ना ये वाला। समझ में आया? कहाँ से स्टार्ट करना अपने को? डबल बॉन्ड वाले रिंग से, ये सबसे पहला कार्बन हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन। इलेवन बताओ स्पाइरो कितने? स्पाइरो फाइव 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 एंड एक है,
और कितने पे? टू पे सिक्स, टू पे डबल बॉन्ड। हाँ सर, टेक के बाद अनडेक डाई डेक कैसे होता है? अनडेक डाई डेक है ना, ट्राई डेक डोडे केन। अब जितने भी अपने पास ये थे ना, मतलब विदाउट फंक्शनल ग्रुप वाले, उनकी नेमिंग अपन ने कंप्लीट कर रखी है। अब स्टार्ट होगी फंक्शनल ग्रुप वाले की नेमिंग। पूरा बेसिक से लेना तो उसका टेंथ का कोई याद नहीं। क्या बोल रहे हो? तो थोड़ा ऐसे बेसिक से टेंथ का याद नहीं है उसमें। टेंथ का कुछ है भी नहीं उसमें। बेसिक से ही पढ़ा है। ये सारी चीजें समझ में आई थी या नहीं? आई आई। तो बिल्कुल वो भी वैसे ही चलेंगे अपन। हाँ सर, आईपीएससी नेमिंग ऑफ फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो मैकेनिज्म थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी, लेकिन धीरे धीरे सबसे इजी हो जाएगा। आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप जो होगा ये वो होता है, मतलब ये जो कार्बन का लगा, द ग्रुप प्रेजेंट, लिख देता हूँ एक लाइन, द ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड, इन द कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड। जैसे अल्कोहल के बारे में तो आपको पता है ना, अल्कोहल OH होता है, OH। हाँ सर। R के बदले कुछ भी आप लगा दिए, R के बदले आपने कुछ भी लगा दिया, मतलब वो कौन से खानदान से बिलोंग करता है? अल्कोहल से। समझ में आ रहा है? फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी, हाँ उसकी सारी प्रॉपर्टी किसके ऊपर? अल्कोहल के ऊपर डिपेंड करे। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप है, उनके नाम में लिख देता हूँ अभी आपको, ठीक है? पूरे 11, 12 में यूज होने वाला है, मतलब उससे ज्यादा कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं मिलेगा। सबसे पहला ROH, यहाँ पे सीनियर जूनियर ऐसा कुछ नहीं अभी चल रहा है, ठीक है? सीनियरिटी ऑर्डर वो तो प्रायोरिटी ऑर्डर बाद में। ये RSH है, इसको थायो अल्कोहल बोलते हैं। यस, सल्फर है ना? हाँ, आर ओ आर, इसको ईथर बोलते हैं। आर एस आर, इसको थायो ईथर बोलते हैं। आर सी डबल ओ एच, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। आर एस डबल ओ एच ईथर, आर एस कार्बोक्सिलिक एसिड, थायो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में ऐसा है, ये कैसा है फिर? आर सी एसओ थ्री एच है ना, आर एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ हो गया, आर डैस हो गया, इसको आर एस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर हो गया, सी हो गया, डबल बॉन्ड, इसको एक्चुअली सल्फोनेट एस्टर लिख देना, ज्यादा बेटर रहेगा, सल्फोनेट एस्टर। आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर लगा दिया, तब ये एस्टर हो जाता है। नहीं सर, एस्टर, ठीक है? अगर आपके पास आर सी डबल बॉन्ड और एक्स, एक्स का मतलब समझते हो? हैलोजन, हैलोजन एसिड, हैलाइड बोलते हैं इसको। आर सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद
पीटोन नहीं ये चलती जा रहा उसमें तो वो टेबल पड़ो है क्या मजा आ जाता था ओ हो ऑर्गेनिक हाँ वही नेक्स्ट में आर सी डबल ओ एच के बाद सर इन सबको प्रायोरिटी सीरीज में कि सबका बाद में बताएंगे सब प्रायोरिटी स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था अरे मैं पूछ रहा हूँ कि इन सबको प्रायोरिटी सीरीज में लिखेंगे कि कुछ ही लिखेंगे इनमें से वापस लिखेंगे वापस मैं लिखूंगा वहां पे बात करूंगा सीनियरिटी ऑर्डर की सारे की हाँ सबकी आर सी एन मैं सबका लिख दूंगा ठीक है अब आर साइन एंड आर एन सी इसको नॉर्मल अमाइड वाला नहीं लिखना नॉर्मल अमाइड तो एनसी और ये सी ट्रिपल बॉन्ड में क्या साइनाइड एनसी दोनों में डिफरेंस है ना एक में इस सी की बॉन्डिंग आर के साथ एक में एन की बॉन्डिंग आर के साथ दोनों सेम केस है तो फिर एन डबल बॉन्ड बनेगा ना सी के साथ को सिर्फ सीएन नहीं बोलते इसमें आर क्यों लग रहा है साथ में क्या बोल रहे हो वैसे साइनाइड को सिर्फ सीएन नहीं बोलते इसमें साथ में आर क्यों लग रहा है अगर अपन ने बोला मिथाइल साइनाइड तो आर लगाना जरूरी है ना एक बात बता तेरे को पता है कि OH को अल्कोहल बोलते हैं तो CH3OH और CH3CH2OH आर वैसे लगाना नहीं तो सर मतलब जैसे वो आयंस में सिर्फ CN लगा होता है तो उसको सिर्फ साइनाइड बोलते हैं ऐसा मतलब वो एनायन तो साइनाइड आयन ही हुआ ना बस ओके अल्फोनेटिव किस तरह ना एक एक करके ना आंचिन में क्या पूछ रहे तो बोलो अरे वो माइनस आया ना इसलिए तीन बॉन्ड लगाएगा हाँ उसमें डबल बॉन्ड ही होगा देखना ये ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप नोट कर लिए हो क्या हाँ सर सर रुको ये क्या लिखा था वो हटा वो वापस लाओ सर वो अभी वापस लिखने वाला हूँ उसने बोला तो मैं इसके एनसी का स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूँ एक बार आर हो गया एन हो गया डबल बॉन्ड एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है ठीक है ऐसे आइसोसाइन है अगर आर एन ओ टू आ गया इसको नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं नाइट्रो अगर अपने पास अब आर सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ आ गया इसको नाइट्रोसो बोलते हैं अरे नाइट्रोसो वो तो एक वो क्या बोलते हैं क्रीचर का भी नाम है नाइट्रोसो मोनास नाइट्रो टेक्नो के मोबाइल का नाम है नाइट्रोसो तो वो नाइट्रो तो उसमें होता है ना गाड़ी में वो तो वो पावर बूस्टर देखना इधर और भी है जो है सब लिख ज्यादा आपको दिखाई नहीं ठीक है आरएक्स के बारे में तो पता ही है ना आपको या तो इसको हेलोल बोलते हैं या हैलाइड बोलते हैं या फिर हैलाइड बोलते हैं ठीक है NH2 3 ये तो पता है RNH2 इसको अमाइन्स बोलते हैं ठीक है और बाकी सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन हो गया और सी ट्रिपल बॉन्ड सी अल्काइन्स हो गया ये वाला सब पुराना है अब येलो वाले छोड़ के बाकी सब नए सर अब हो गया हाँ हो गया अब इससे ज्यादा आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे और नहीं होते सर होंगे भी तो भी नहीं चाहिए होंगे तो आयुक्त पीस बोलेंगे इसका कोई और नाम लगा दो जो कॉमन है ना वो कुछ ही है कॉमन मतलब बाकी सब कभी कभी यूज होते हैं जो आप 10th में पढ़े थे ना वही मोस्टली कॉमन है उसमें से एक दो बढ़ जाएंगे जय एडवांस में अगर तुम लोग हो तो फिर कभी कभी जो होता है ना उसको एकदम बिल्कुल स्ट्रेंथ बनानी होती है कभी किसने बनाया बाकी इसके बाद कल अपन पढ़ेंगे फिर ना क्या लिख लिया हो तो लिख लिया हो तो आप लोग जा सकते हो देख दो टेबल बना देना उसकी
एक जो कॉमन और एक सारे वाले, तो हम कॉमन वाले सॉल्व करेंगे ना जॉब। ओम तुमको कैसा लग रहा है ये सब देख के? ठीक है, मजा आ रही है, और लिखवाओ। रखना मीटिंग, मैं लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, आप लिख लो। मैं साइनाइड में फिर वो कल जेई वाले में पढ़ाऊंगा तो यही वाला दिखाऊंगा ना। उधर नहीं स्टार्ट किया सर, उसमें भी नहीं स्टार्ट हुआ है। तो हम आगे, वाह, केमिस्ट्री की सब्जेक्ट ऐसा आया जिसमें जेई मेंस आ गए आगे है। नहीं, फिजिक्स में भी, फिजिक्स मतलब उन लोगों बीच में चैप्टर स्किप किया है। उन्होंने तो बीच में से चालू किया, कितना लेट चालू किया, 4 बजे लेट चालू। इसको साइनाइड के नीचे क्या है? नियो साइनाइड कहां पे? आइसोसायनाइड के नीचे उसका स्ट्रक्चर है, उसी का स्ट्रक्चर। किसी ने बोला कि डबल बॉन्ड बना रहा है तो मैंने बना के दिखाया कि नहीं, कार्बन भी अपडेट कंप्लीट कर रहा, नाइट्रोजन का भी है। कार्बन का मतलब वैसा तो चलता है क्योंकि फिर कोऑर्डिनेट कोलेंट नहीं बनाता तो हाइड्रोजन से बना देते ना, तो क्या नहीं नहीं ते बनता। सही है, सही है। और सर लिख लिया अमीन्स का नाम, अमाइन्स, 1 डिग्री अमाइन्स, समझते हो? 1 डिग्री अमाइन्स, हाँ सर, हाँ सर, जितना कार्बन से लगा है उतनी डिग्री। तो उसका जब 1 डिग्री अमाइन की टेस्टिंग किया जाता है ना, 1 डिग्री अमाइन को डिटेक्ट किया जाता है, तो वहां पे करवाया जाता है कार्बाइल अमाइन, जहां पे बनता है आइसोसाइनाइड, और वो एनसी होता है। अभी आगे ये सारी चीजें आगे पढ़ाओगे ना? वही, हम डिप्रेशन में ना चले जाइए सब। सुन, ठीक है? हां सर, थैंक यू सर। नोट हो गया सर? यस सर। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir.